यू सर। तो अभी तक आप लोग ऑलरेडी इसमें रजिस्टर कर चुके हैं, हमारे पास में 6,000+ रजिस्ट्रेशन आ चुके हैं, तो लगभग सभी को, सभी यूजर्स को रजिस्ट्रेशन कैसे करना है ये ऑलमोस्ट सभी को पता है, बट इन फील्ड्स को आपको फिल करके रजिस्टर का बटन दबाना है। उसके बाद में आपके ईमेल आईडी पे, जो ईमेल आईडी आपने यहाँ लिखा होगा, उसमें एक वेरिफिकेशन लिंक आएगा, उस लिंक पे आपको वेरीफाई करना है। उसके बाद में इसी वेबसाइट पे आकर के लॉग इन करना है। जैसे मैंने ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे लॉग इन कर रही हूँ। लॉग इन करने के बाद में आपका डैशबोर्ड खुल जाएगा, जहां पे आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट होगी, और कोर्सेज में एनरोल करने के बाद में, आपको रजिस्टर करने के बाद में कोर्सेज में एनरोल करना है। कोर्सेज टैब पे क्लिक करने के बाद, एक साथ आप एट अ टाइम साइमल्टेनियसली आप कितने भी कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इंट्रोडक्शन टू फोटोग्राफी कोर्स लेना चाहती हूँ, तो मैंने उसके पेज पे क्लिक किया। इस पेज पे क्लिक करने के बाद में एक इसकी बेसिक जानकारी इस कोर्स की दी जाएगी, डिस्क्रिप्शन, टॉपिक्स जो आप यू लर्न, प्री रिक्विजिट्स अगर कुछ हैं कोर्स के लिए, और कौन इस कोर्स को पढ़ा रहा है आपको, इसके इंस्ट्रक्टर्स के बारे में। तो ये पेज आपकी बेसिक जानकारी देगा कोर्स के बारे में, और ये छोटा सा कोर्स का इसके बाद आपको एनरोल फॉर फ्री वाले बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे जैसे मैंने ऑलरेडी पहले से एनरोल कर रखा है, इसलिए ये मैसेज आया। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो सक्सेसफुली एनरोल्ड करके यहाँ पे मैसेज आएगा। इस कोर्स के लेक्चर्स शुरू करने के लिए आपको डैशबोर्ड में फिर से जाना है। उसमें प्रोग्रेस रिपोर्ट के बाद में कंटिन्यू लर्निंग का ऑप्शन आएगा। कंटिन्यू लर्निंग में जो भी कोर्सेज आपने एनरोल किए हैं, इस समय मैंने 3 कोर्सेज एनरोल करे हुए हैं, इसीलिए मेरे डैशबोर्ड में 3 कोर्सेज आ रहे हैं। जिस कोर्स को आप स्टार्ट करना चाहते हैं, जिसके वीडियोस आप देखना चाहते हैं, उस पर क्लिक करिए। उसको क्लिक करने के बाद ये आपकी प्रोग्रेस दिखाई जाएगी यहाँ पे, कि आपने कितने मॉड्यूल्स कंप्लीट किए हैं, आपका स्कोर कितना है। अगर फ्रेशली स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको रिज्यूम नाउ का ऑप्शन आएगा। रिज्यूम नाउ के बाद में ये कोर्स की कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट्स खुलेंगे, जहाँ पे सीक्वेंस में ये लेक्चर्स हैं। जैसे कि पहला लेक्चर है अबाउट द इंस्ट्रक्टर हिज जर्नी, आप इस पे क्लिक करेंगे और ये वीडियो आपका यहाँ पे खुल जाएगा। इस पे क्लिक करके आप वीडियो देखना शुरू कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, इस फोटोग्राफी कोर्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है आशीष शर्मा। तो इस तरीके से आप ये वीडियो पूरा कंप्लीट करने के बाद में यहाँ पे मार्क एज कंप्लीट वाला कंडीशन बटन में है, इजीली ऑपरेट कर सके, उसे क्लिक करके इसको कंप्लीट के लिस्ट में डालेंगे। तो मैंने ऑलरेडी कर दिया है, इसलिए मेरे पास में ये ऑलरेडी कंप्लीटेड वाला बटन है। इसके बाद में आपको क्विज लेना है। जैसे इस मॉड्यूल पे कोई क्विज नहीं है, क्योंकि ये अबाउट द इंस्ट्रक्टर है। उसके बाद में व्हाट इज फोटोग्राफी वाला मॉड्यूल है, इसको आपको पूरा देखना है। उसके बाद सीक्वेंस मैनर में क्विज अटेंड करना है। एक क्विज को अटेंड करने के लिए आपके पास में 3 अटेम्प्ट्स हैं, और पहला अटेम्प्ट लेने के बाद में आपके पास में सेकेंड अटेम्प्ट, अगर मान लो उसमें नंबर कम आ रहे हैं आपके, तो सेकेंड अटेम्प्ट में, पहले अटेम्प्ट में आपके जो भी करेक्ट आंसर्स होंगे उसमें राइट टिक लग के आएगा, मतलब आपको डिस्प्ले हो जाएंगे जो आंसर्स आपने करेक्ट किए हैं। इसके बाद आप सबमिट कर दें इसको, और यहाँ पे आपका स्कोर आ जाएगा। इस तरह से आपको सारे कोर्सेज, सारे टेबल ऑफ कंटेंट्स को कंप्लीट करना है। इसके बाद में एक बार जब आप कोर्स पूरा कंप्लीट कर देंगे, डैशबोर्ड में दोबारा से जाना है। जब आपको सर्टिफिकेट चाहिए होगा, तो उसकी प्री रिक्विजिट ये है कि सारे मॉड्यूल्स आपको कंप्लीट करने हैं। मॉड्यूल्स विल इंक्लूड ऑल द वीडियोस एज वेल एज द क्विज।
सो देयर आर 23 इन टोटल फॉर द फोटोग्राफी कोर्स, और एग्रीगेट जो स्कोर है मिनिमम आपका 50% या 50% से ज्यादा होना चाहिए। डैशबोर्ड में जाके ये प्रोग्रेस आपकी सर दिख जाएगी, और अगर आपकी प्रोग्रेस ठीक है, प्री रिक्विजिट है उस सर्टिफिकेट के लिए, तो ये बटन इनेबल हो जाएगा, सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट का बटन। इसको आप जब क्लिक करेंगे तो आपका सर्टिफिकेट आपकी ईमेल आईडी पे भी चला जाएगा, या फिर आप यहाँ पे क्लिक करके अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके का सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। तो ये था वॉक थ्रू फॉर द वेबसाइट। Enjoy, happy learning.